आप देख रहे हैं MCN समाचार। अभी हम मौजूद है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के ऑफिस पर। हमारे साथ है शाहबुद्दीन साहब, जिसकी आज कोर्ट में हियरिंग थी। आइए उनसे बात करते हियरिंग के ताल्लुक से, क्या आज हियरिंग में क्या हुआ। जी साहब, वक्फ संपत्ति मुसलमानाची नहीं कोनाचे बापाची। वक्फ इमलाक मुसलमानों की नहीं है किसी के बाप की। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव। औरंगाबाद में एक प्रॉपर्टी का मैटर चालू है, दरगाह हज़रत अहमद शाह गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, मोंडा नाका रोड औरंगाबाद, 16 एकड़ 30 घंटे ये जगह है। इसके पहले 3 हियरिंग उसकी हो चुकी थी, आज की 4थी हियरिंग थी। इसके पहले हम आपसे मुखातिब हुए थे MCN चैनल के माध्यम से, और आज 16 तारीख को उसकी हियरिंग हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड की तरफ से मेराज मैडम और एडवोकेट मदार मुल्ला साहब ने अच्छी कामयाब आर्गूमेंट किया। सामने जो गैर क़ानूनी तौर पर जो वकीलों ने और जो लोगों ने गैर क़ानूनी तौर पर रजिस्ट्री करके PR कार्ड में फेर करने के लिए बहुत कोशिश की थी, आज उनका हर सवाल का जवाब एडवोकेट मदार मुल्ला साहब ने बहुत अच्छे से दिया, आर्गूमेंट दिया। मैं उनका यहाँ शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है, MCN के ताल्लुक से जो हमने पिछले बारी को आपसे मुखातिब किए थे, ज़रूरत से ज़्यादा, मेरी सोच से भी ज़्यादा MCN के ज़रिए से हमें कामयाबी मिली है। ना सिर्फ औरंगाबाद, ना सिर्फ मराठवाड़ा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र से मुझे फ़ोन आए इस MCN के माध्यम से कि भाई आपका ये जो चला है बहुत अच्छा चला, और हर जगह से उसकी मेरे को तारीफ हुई है। और मराठवाड़े से बोले तो नांदेड़, परभनी, बीड़, हर तरफ से मुझे इसके ताल्लुक से फ़ोन आया, और मैं MCN समाचार का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ औरंगाबाद में जो औरंगाबाद टाइम्स है, एशिया एक्सप्रेस है, और हिंदी जो पेपर है औरंगाबाद समाचार, दौरे इनकलाब, इन पेपरों ने भी इसको न्यूज़ को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था, और मैं उनका भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अगली तारीख आपको कब की थी कोर्ट ने? अगली जो तारीख है 22/6, यानी कि 22 जून को अगली तारीख दी गई है, और 22 जून को फिर से उसका एक बार और होगा। असल में मदार मुल्ला साहब ने वहाँ पर जो आर्गूमेंट किया है, उस ताल्लुक से सामने वाले वकील का ये बोलना था कि ये कोर्ट हाई कोर्ट से हमने इस केस को जीत लिया है, लेकिन एडवोकेट मदार मुल्ला ने कहा कि अगर हाई कोर्ट से आपने इस केस को जीता है तो इसकी हमको कॉपी दिखाइए। तो वो कॉपी दिखाने के लिए और कागजात जमा करने के लिए जो हियरिंग ऑफिसर है सोनार, उन्होंने कहा है कि आने वाली 22 तारीख यानी कि 22 जून को एक और रेट होने वाली है। इसी के ताल्लुक से मैं और भी ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे औरंगाबाद के जो MP साहब है, खासदार साहब, उनके ऑफिस पर जाकर मैंने एक रिक्वेस्ट लेटर दिया हूँ कि भाई आप इसमें अपना ऑब्जेक्शन दाखिल कीजिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दूसरे समाजवादी पार्टी औरंगाबाद की तरफ से इसमें ऑब्जेक्शन आया है, और बहुत सारे दूसरे लोग हैं, बाबा सिद्दीक साहब जो बहुत मशहूर सोशल वर्कर हैं औरंगाबाद के, उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन उन्होंने दाखिल किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। एक पत्रकार हमारे दोस्त है सैयद जाकिर अली, उन्होंने भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन दाखिल किया है, और दूसरे बहुत सारे, आज हियरिंग की डेट को बहुत सारे उलमाए दीन और हमारे औरंगाबाद शहर के बादशाह और मुसलमान, और जो वक्फ प्रॉपर्टी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, ऐसे बहुत से मेरे भाई वहाँ पर मौजूद थे। मैं उन सभी का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अभी ये जो आपका केस चल रहा है, इसके ताल्लुक से जो आने वाली 22 तारीख को, या फिर आप क्या मांग करते हैं वक्फ बोर्ड से, या आप क्या एक्शन लेने वाले हो? वक्फ बोर्ड से तो हमको यही उम्मीद है कि वो अच्छे वकील को भेज कर, जैसा भी आज उन्होंने जो भेजा था, अच्छे वकील को भेज के वो अच्छे से पैरवी करेंगे, और वक्फ बोर्ड की जगह वक्फ बोर्ड को मिल जाए, ये हमारी कोशिश है। और हम अपनी तरफ से सेल डीड ऑफ कैंसलेशन की कार्रवाई करेंगे, यानी कि जितने भी अब ये प्रॉपर्टी के अलावा भी जितने प्रॉपर्टीज़ है सबके लिए सेल डीड ऑफ कैंसलेशन का हम उस पर केस दर्ज करेंगे। ये आपने जो इससे पहले बताए थे, जो फेरपार हो रही है, इलीगल जो फेरपार हो रही है, अगर फेरपार नहीं रुकती है तो आप क्या एक्शन लोगे? ऑल इंडिया उलमा बोर्ड पिछले कई सालों से वक्फ प्रॉपर्टी के लिए मेहनत और जद्दोजहद में मसरूफ़ है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने औरंगाबाद, नागपुर, बम्बई, दिल्ली, हर तरफ वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए धरने आंदोलन किए हैं।
अगर ऐसा कुछ मैटर होता है कि ऑफिस वाले मानते नहीं हैं और वर्क बोर्ड वाले भी अगर हमारा साथ नहीं देते हैं तो हम जो है सेल डीट कैंसिलेशन का इन पर मुकदमा दर्ज करेंगे। और ऑल इंडिया लॉ बोर्ड की ताकत आज इतनी है कि महाराष्ट्र के हर ज़िले में, हर तालुके में और हर शहर में उल्मा बोर्ड की बॉडी मौजूद है। तो हम पूरे महाराष्ट्र में हर जगह कलेक्टर ऑफिस के सामने, डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस के सामने और तहसील ऑफिस के सामने धरने आंदोलन देंगे और इस हुकूमत को हला देंगे हम। और उनको हम ये मजबूर कर देंगे कि वक्त प्रॉपर्टी खाना, वक्त प्रॉपर्टी बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। शुक्रिया। अभी हमने शहाबुद्दीन साहब से बात की, उनका कहना है कि अगर ये सेल डीड नहीं रुकती है, जो फेरपार नहीं रुकते, तो हम धरने आंदोलन करेंगे और गवर्नमेंट को बता देंगे कि वक्फ की जगह खाना या वक्फ़ के जो उसके ऊपर कारोबार, काला कारोबार हो रहा है, उसको रोकना कैसा जाता है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, सैयद इत्तेशामुल्लाह के साथ।